सुपेला रेलवे फाटक पर बनने वाला अंडरब्रिज दक्षिण गंगोत्री के व्यापारियों के लिए चिंता का विषय साबित हो रहा है, जिसे लेकर यह व्यापारी फाटक के करीब धरने पर बैठे हैं। पूरे भारतवर्ष में रेल की गति बढ़ाने के लिए रेलवे फाटकों को बंद करके उसी स्थान पर अंडरब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है, परंतु सुपेला रेलवे फाटक के स्थान पर बनने वाला अंडरब्रिज दक्षिण गंगोत्री के व्यापारियों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने अंडरब्रिज की रूपरेखा व्यापारियों को बताई, जिसमें आकाश गंगा की तरफ अतिरिक्त स्थान छोड़ा जा रहा है, तो वहीं दक्षिण गंगोत्री की तरफ 2 से 4 फीट की जगह अतिरिक्त बढ़ा दी जा रही है, जिससे रोड के किनारे के दुकानदार चिंतित हैं कि उनका व्यवसाय कैसे चलेगा। इसे लेकर यह व्यापारी दुर्ग कलेक्टर के पास भी जा चुके हैं और अब तक इनकी बात नहीं सुने जाने पर या आगे मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक जाने की बातें कह रहे हैं। इनकी मांग है कि यह ब्रिज बिल्कुल बीचों बीच बनाया जाए, जिससे आकाशगंगा व्यापारियों को मिलने वाली जगह के जैसे दक्षिण गंगोत्री के व्यापारियों को भी अपना व्यवसाय करने के लिए जगह मिल पाए और वह भी अपना परिवार पाल सकें। हम लोग का विरोध इस बात का है कि हमारी दुकानों की तरफ जगह ही नहीं मिल रहा है, ग्राहकों को आने का कोई जगह नहीं मिल रहा है, ग्राहक कैसे आएंगे आगे चल के। अभी ये जब ये सेट बनेगा और ये जब दीवारी खुदाई शुरू होगी तो हमारी दुकानों के सामने तो मात्र 3 से 4 या 5 फीट का जगह रह जाएगा, तो हमारे दुकान में ग्राहक आएंगे जाएंगे कैसे, और हम गाड़ियां अपनी कहां रखेंगे, तो हमको कोई जगह ही नहीं मिल रहा है। दूसरा चीज, आकाशगंगा मार्केट की तरफ काफी जगह दिया जा रहा है, जबकि इस तरफ जगह नहीं दिया जा रहा, सारा का सारा जो अंडरब्रिज है वो इसी तरफ दबाया जा रहा है। हम लोग की मांग, हम 10 दिन पहले कलेक्टर महोदय के पास गए थे, हम लोग एक आवेदन दिए थे कि महोदय दक्षिण गंगोत्री मार्केट के सामने जो खंभा है और आकाशगंगा मार्केट के जो सामने खंभा है, वहां से उस खंभे की दूरी टोटल 128 फीट है, तो हमारी मांग ये है कि दोनों मार्केट को देखते हुए ये जो अंडरब्रिज है एकदम बीचों बीच बनाया जाए, या हमको स्पेस दिया जाए, थोड़ा इधर भी अगर चढ़ाया जाएगा तो हमको स्पेस मिलेगा। तो हमारी मांगों को कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा, इसलिए हम लोग इस कार्य पे अभी उतारू हुए हैं। रेलवे के अधिकारी जो आज हमको 4-5 दिन बाद इनसे मुलाकात हुई है, मुलाकात होने के बाद इन्होंने आज ये कहा है कि आज हमको इन्होंने बताया कि कितना स्क्वायर फीट कितना एरिया में बनेगा, क्या बनेगा, अभी तक जो जानकारी हमको नहीं थी। इन्होंने आज ये कहा कि आप लोग एक काम करिए, कलेक्टर के पास फिर से दोबारा जाइए, दोबारा जाने के बाद कलेक्टर से निवेदन कीजिए कि एक मीटिंग किया जाए, जिस मीटिंग में रेलवे के अधिकारी बैठने को आप लोगों के साथ तैयार हैं, उसके बाद क्या निकलता है वो देखा जाएगा। 2 साल से तो कोरोना काल की वजह से पूरी मार्केट और अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो चुकी है, कर्ज में डूबे हुए हम लोग, बिजनेस व्यापार यहाँ रेल पटरी एक रेलवे फाटक बंद होने के बाद व्यापार तो वैसे ही 70% के आसपास खत्म हो चुका है। हम लोग के बाल बच्चे हैं, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जो बैंक से लोन लेके भी अपनी प्रॉपर्टी पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी हमारी अर्थव्यवस्था तो एकदम चौपट हो जाएगी। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम हर स्तर पे जाने को तैयार हैं और हर स्तर पे अपने को क्षति पहुंचाने के लिए भी तैयार। विरोध भरपूर तरीके से हम लोग करेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। गौरतलब है कि घड़ी चौक से सुपेला फाटक के बीच का रोड सुपेला के बाजार को 2 भागों में विभाजित करता है, जिसमें एक आकाश गंगा कहलाता है और दूसरा दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री की तरफ सुपेला फाटक पर बन रहे अंडर ब्रिज को दबाया जा रहा है, जिससे इनके व्यापार पूर्णतः खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं और इसे लेकर दक्षिण गंगोत्री के व्यापारी लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।